नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट 2019 की CDP और मैथमेटिक्स के आंसर की। तो मेरे पास जो सेट है वो आर सीरीज का है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी आंसर की मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं CDP आंसर की। पहला क्वेश्चन आपका है कि मूल्यांकन को, तो उसमें आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं आपका पेपर जो है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब वह विद्यार्थी, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां डैश, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4th, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल एवं प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधिगमकर्ता केंद्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कोई आसानी से छोड़ देने की संभावना है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है, आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आठवां क्वेश्चन आपका है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर है, जेंडर एक कौन सी प्रक्रिया है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक जैविक निर्धारक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, तो आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट है, बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा आयाम सही है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका परिवार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, लेव बायोट्स्की के अनुसार एक अधिगम है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक सामाजिक गतिविधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेष करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों की अनुत्क्रमणिका। नेक्स्ट है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों का किस तरह से देखा जा सकता है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, तो सही आंसर होगा आपका यानी कि किशोरा अवस्था। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान के सक्रिय रूप में संचरित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से देश देश, तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधोगामी और शीर्षगामी। नेक्स्ट है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट रंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करती हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता।
नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना। नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए और दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने की जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की अवस्था के अंतर्गत आता है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। नेक्स्ट है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव बायोस्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर थ्री है केंद्रित वार्ता। नेक्स्ट है, डैश ये विचारधारा किसी बच्चों में एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा करने का अधिकार देती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, समावेशी शिक्षा। एक शिक्षक को चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषित करे को, वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और एवं उन्हें महत्व देती है, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 का वकालत करता है, तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो आपको होना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर्थ, समावेशी शिक्षा। बच्चों में कक्षा में प्रश्न डैश, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है जिसे जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तंभ बच्चों के स्तंभ ख में प्राथमिक विशेषताओं का मिलान करता है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बच्चों के प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट प्राध्यापक, तो आपका जो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट टू, गणित की मैथ की तरफ। तो मैथ का करते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार समूह व्यू में व्यवस्थित करें, इस कार्य के कौन सा सही होगा, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। नेक्स्ट है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विधि भौतिक राशियों संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन पहचानिए, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बान हेले क्रिस्टल जिस विकास की अवस्था संकेत करते हैं वह कहलाती है, ऑप्शन नंबर थ्री, संख्या की संकल्पना। नेक्स्ट है, निम्न समुच्चयों में कौन सा गणित का प्रश्न करने का कौशल है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा विभाजन करना, चर प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो दशमलव वाली संख्याओं का गुणन जैसे कि 3.0.3 × 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना समझने के लिए कौन सा कथन शिक्षण अधिगम का उचित है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमिक्स ब्लॉक्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, छात्रों के प्रतिदिन अनुभव संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम कठोरता पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के निम्न में से कौन सी प्रभावी योजनाएं नहीं है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है, 18 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे, सीधा सीधा आंसर आपका है 75, आप सॉल्व करें तो 75 आंसर का आ जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 टेनिस खेलते हैं, 1/6 शतरंज खेलते हैं, बाकी तराई करते हैं, तो वॉलीबॉल खेलने संख्या 60 है, तो शतरंज की संख्या खेलना कितने होंगे, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, 40। नेक्स्ट है, एक दीपा एक डाकघर में पत्र पार्सल डाक से भेजने के लिए तैयार जाती है, डाक दर प्राप्त इस प्रकार दी गई है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, यानी कि 49। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्न रिक्त स्थान व्यवस्थित किया जाए तो क्या आएगा, तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1308। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से दिया हुआ है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। 50 अंकों में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाए, प्राप्त संख्या
अंक जोड़ देना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, 2.2 ग्राम काजू को मिला दिया, इस प्रकार बराबर भागों दो दिन पैकेट में बांट दिए गए, तो इसका पैकेट का जो भार होगा कितना हो जाएगा, 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 1 लीटर एक बीकर के 3/7 भागों पानी, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, बीकर की धारिता होगी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 लीटर। नेक्स्ट है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में रूपित करती है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए, बाकी आपका पूरा आंसर जो होंगे वो एक्यूरेट ही होंगे। नेक्स्ट है, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सर्व गुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 36। नेक्स्ट है, आशा के घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है, प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार 50, बुधवार को 100, शुक्र 80 और रविवार को इसमें से 60 खर्च कर देती है, उसके पास 550 रुपये हैं, मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 35। नेक्स्ट है, निम्न में से किन आधारों पर अक्षरों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समती रेखाएं खींची गई हैं, तो वो किसमें है, वो आपको मिलेंगी ए में मिल जाएंगी, यदि 11 0 11 होल ट्वाइस, इसका उल्ट कितना हो जाएगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 22। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 गुना। नेक्स्ट है, 70 × 72 × 28 = 36 × 4 × - तो आपका जो सही इसका क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ADE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3rd में चतुर्थांश की संकल्पना समझने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ACB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा 3rd के छात्र ने 16 × 25 करोड़ इस प्रकार किया है, तो कौन सा आंसर होगा, तो आपका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3rd, वितरण सिद्धांत। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबद्ध छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियां और साधनों का प्रयोग कर। नेक्स्ट है, संख्या एक संख्या के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए शुद्ध और बी अशुद्ध। निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मानस दर्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्प में संबंधित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षण। नेक्स्ट है, योग पदार्थ शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए, योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी, योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, ये थे आपके CDP और मनोविज्ञान और मैथ के आंसर की, आप मिला सकते हैं कितने आंसर सही है, बाकी आंसर के अभी मैं शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।